क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास हैज फोकल लेंथ 0.15 मीटर इन एयर. ठीक है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2 एंड दैट ऑफ द वॉटर इज 4/3. ठीक है. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्ज्ड इन वॉटर इज, ए कन्वेक्स लेंस है. ठीक है. यहाँ पर ये पहले एयर में रखा हुआ है, इसके अंदर का पता नहीं क्या है, ये एन है, ये आर वन आर टू मान लो, ये आर वन आर टू, ये एन मान लिया. अभी पहले एयर में रखा हुआ था तो इसकी फोकल लेंथ थी 0.15 ये मीटर में, और ये कह रहा है कि अगर इसको 4/3 में डुबा दें, इफ यहाँ पर ना अंदर वाला मीडियम होता है एन टू, बाहर वाला क्या होता है एन वन. इफ एन वन इज 4/3 देन F, ठीक है, ये बताना आपको. देन F डैश मान लो उसको, F डैश की वैल्यू बताओ. इसमें ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगेगा दो बार. ठीक है. एक काम करो, पहले तो एयर मान के फिर लगाओ. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n1 upon f, 1/f हो जाएगा, इज इक्वल n2 माइनस n1. n2 की वैल्यू नहीं पता लेकिन यहाँ माइनस वन आएगा, इन टू में 1/r1. ठीक है. प्लस का 1/r2 वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं आप, एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू पता होती 10-15 तो विद साइन पुट करते हैं यहाँ पे. 1/r1 माइनस 1/r2 होता है यहाँ पे, माइनस होता है, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2 होता है. अच्छा आप सुनो, एक दूसरे वाला केस है उसके अंदर लगाओ आप इसे, क्या करोगे बताइए. 4/3 एफ, एफ डैश आएगा इस बार, 4/3 एफ डैश इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, n2 माइनस 4/3 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. राइट. हमें निकालना है एफ डैश की वैल्यू निकालनी है. एफ की वैल्यू दे रखी है इसने, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15. n2 दे रखा है. अच्छा 3/2 n2 दे रखा है ना, तो शायद हो ही नहीं पाता. 3/2 दे रखा है n2 3/2 दे रखा है. अब ऐसा करो आप, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर आएगा अब ये 1/0.15/4/3 एफ डैश इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 upon यहाँ पे कितना आएगा, ये 6 एलसीएम ले लिया, 9 माइनस में 8, यह आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 8. अब बताइए कैसे करोगे इसको, 1/0.15 × 3f′/4 = यहाँ पर कितना आएगा, ये 1/2, 1/6 आएगा ना, तो 6/1 हो जाएगा यहाँ पर ये. ठीक है. तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 3 से 3 गया जी. तो यहाँ पे आएगा एफ डैश अपन में 0.6 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो एफ डैश इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर, ये आंसर आएगा. मतलब लेंस में कस फॉर्मूला लगाना है दो बार वो भी. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?